तरह से वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत, ये तीनों ट्रेन देश की पूरी रेलवे के सिस्टम को बदल रहा है। वंदे भारत के जो तीन फॉर्मेट्स हैं, एक चेयर कार, दूसरा स्लीपर और तीसरा मेट्रो, यानी वंदे मेट्रो, वंदे स्लीपर और वंदे भारत, इन तीनों फॉर्मेट्स में टोटली एक नई टेक्नोलॉजी से काम चल रहा है। आपने वंदे भारत चेयर कार का तो आनंद लिया ही है, सबने अच्छी उसकी पॉपुलैरिटी है। अब वंदे स्लीपर का पहला कोच बनके तैयार हुआ है, अब इसमें फर्निशिंग होगी। कोच में सबसे डिफिकल्ट काम होता है उसका पूरी जो कार बॉडी होती है, कार बॉडी बनाना। ये जो आप पूरा इसका स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसका पूरा नया डिज़ाइन हुआ है। इस नए डिज़ाइन में किस तरह से आगे स्केल अप करेंगे वो डिस्कशन आज करना है। और पहले जो पहली 10 ट्रेनें बन के आएंगी, उन 10 ट्रेनों को पहले टेस्ट करेंगे। टेस्टिंग करके 4-5 महीने 6 महीने तक टेस्टिंग होगी उसकी। टेस्टिंग के बाद में उसका मास प्रोडक्शन, सीरियल प्रोडक्शन चालू करेंगे। बहुत ध्यान रखा गया है पैसेंजर एक्सपीरियंस पे, पैसेंजर्स का कंफर्ट किस तरह से गाड़ी में जो आए। आपने देखा वंदे भारत के अंदर इस तरह की टेक्नोलॉजी है कि बिल्कुल भी झटके नहीं लगते, बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं होता और अंदर नॉइज़ नहीं होता। वो कि वो फीचर्स वंदे स्लीपर में भी होंगे, क्योंकि पूरा प्लेटफॉर्म उसका एक है, यानी जो उसकी टेक्नोलॉजी है वो सेम है। केवल स्लीपर के हिसाब से हाइट का और जो ऊपर के रूफ का, कार बॉडी का, अंदर एयर कंडीशनिंग का और जो कितना लोड लेके जाती है गाड़ी, उन सब पे स्पेशल ध्यान दिया गया है। उस सब में नया डिज़ाइन लाया गया है। सो बहुत जल्दी अब ये गाड़ी बन के तैयार होगी। नॉर्मली दुनिया के बड़े देशों में, विकसित देशों में, अमीर देशों में इस तरह का प्रोजेक्ट 4-5 साल का होता है, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आपको पता ही है, वो बहुत ही समय को कंप्रेस कर देते हैं। कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम कैसे करें, ऐसा उनका हमेशा प्रयास रहता है, मार्गदर्शन रहता है। तो ये आप देखिए, वंदे स्लीपर करीब करीब 1.5 साल के अंदर अंदर तैयार हो गई है और आगामी कुछ महीनों में फैक्ट्री से रोल आउट होएगी और रोल आउट होने के बाद में यात्रियों के सबके देश के काम में आएगी। कब तक इसी साल ट्रेन है? डिजाइन के अलावा अगर बात की जाए, क्योंकि जो पिक्चर सामने आई थी कि किस तरीके की हो सकती है, डिजाइन के अलावा और क्या खासियत रहने वाली है, कैसे अलग होगी? देखिए, स्लीपर में एक तो चढ़ने वाला जो सिस्टम है उसमें बहुत बड़ा चेंज किया है। चढ़ने का जो सिस्टम लैडर है, उस लैडर में बहुत बड़ा चेंज किया गया है। अच्छा फुट आराम से रख सकें, अच्छा फुट एरिया है जिसको कॉन्टैक्ट एरिया बोलते हैं, वो बहुत बड़ा चेंज है। टॉयलेट्स बहुत अच्छी नई तरह की बनी है। एयर कंडीशनिंग एकदम अलग से प्रॉपर कंट्रोल के साथ। चौथा, चार्जिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और मोबाइल को सेफ रखने के हिसाब से बड़े इंटरेस्टिंग फीचर्स लगाए गए फर्निशिंग में। पांचवा, फर्निशिंग की जो क्वालिटी है, यानी जो कुशन है, उस कुशन में टोटली नए टेक्नोलॉजी की फोम लगाई गई है, जो आप देखोगे जब एक्सपीरियंस करोगे तब आपको महसूस होगा। पांचवा, अंदर नॉइज़ का लेवल बिल्कुल कम रहेगा। छठा, वाइब्रेशंस का लेवल बिल्कुल ही प्रैक्टिकली निल के बराबर रहेगा, यानी आप आराम से रात में जब सो के सुबह उठोगे तो एकदम फ्रेश लगेगा, ऑड नहीं लगेगा कि इतनी लंबी ट्रैवल से आए।